संख्या 120 आत्मा का ताप नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया दस में से नौ विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई इससे मुझे बड़ी मदद मिली पिताजी रिटायर हो चुके थे अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी मैं गोंदिया यानी महाराष्ट्र में स्थित एक स्थान में ड्राइंग का अध्यापक बन गया महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली यह सितंबर 1943 की बात है मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र दे दिया जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता छात्रवृत्ति वापस ले ली गई सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं बम्बई में ही अध्ययन करूंगा मुझे शहर पसंद आया वातावरण पसंद आया गैलरियों और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक मैं दफ्तर में काम करता फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जेकब सर्कल जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूं तो तुम वहां सो सकते हो संख्या 121। वह दिन में कमरे पर लौटता यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल सात रास्ता में पहली मंजिल पर था एक रात जब साढ़े नौ बजे में कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था उसने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते यहाँ हत्या की वारदात हुई है हम लोग कभी भी राजनीति या किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे मेरी तो अकल गुम हो गई मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूं, जेकब सर्कल में रहता हूं। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रोल्फ या मुझ पर शक नहीं है रोल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आठ डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया मैं फर्श पर सोता, वे मुझे रात ग्यारह बारह बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते कभी कभी वे कहते तुम बहुत देर तक काम करते रह गए अब सो जाओ कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक शानदार ठिकाना देने की पेशकश की उनके चचेरे भाई के छठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा उसमें दो पलंग पड़े थे उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके साथ यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। मैं जेकब सर्कल का सात रास्ते वाला घर और उसका गलीज़ वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया इसका परिणाम यह हुआ कि चार बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था दो बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई मैंने खुद को याद दिलाया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं मेरे पहले दो चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था अगले दिन मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी कला समीक्षक रुडोल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफी तारीफ की थी पृष्ठ संख्या एक उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी हाँ एस एच रजा के नाम के छात्र के एक दो जल रंग लुभावने हैं उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती है दोनों चित्र 40 40 रुपए में बिक गए एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज़ में 8 10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लैंग से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा आई लवर स्टफ मिस्टर साहब मुझे आपका काम पसंद आया रुडोल्फ वॉन लेडन भी कृपा बनाए रखते थे इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक इमेनुअल श्लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी समय के साथ साथ चीजें होती चली गईं। प्रोफेसर लैंगेम ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया वे टाइम्स ऑफ इंडिया में में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उसका विश्लेषण करते मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई मेरा काम निखरता गया वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका 1947 में मैं जेजे जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हूं मेरे लिए वे कठिन वर्ष थे पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी मां का देहांत हो गया पिताजी मेरे पास ही थे वे मंडला लौट गए मई 1948 में वे भी नहीं रहे विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था उत्साह था उदासी भी थी जीवन भर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा हम युवा थे मैं 25 बरस का था लेखकों कवियों चित्रकारों की संगत थी हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। संख्या एक संख्या 123 देश का विभाजन महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था हम उससे उबर काम में जुट गए 1948 में मैं श्रीनगर आया वहां चित्र बनाए ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे कश्मीर पर कबायली कबीलों का आक्रमण हुआ तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहाँ चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहां जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पैंट धारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया मैं उसके साथ चल दिया उसने पूछा कहां से आए हो? नाम क्या है मैंने बता दिया कि मैं रजा हूँ बम्बई से आया हूँ शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी मांगता हुआ चला गया श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तीय ब्रेंसा से हुई मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ तुम्हारे चित्रों में रंग है भावना है लेकिन रचना नहीं है तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है आधार नींव दीवारें बीम छत और तब जाकर वह टिकता है मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा बंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया फ्रेंच पेंटिंग में, में मेरी खासी रुचि थी लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी पृष्ठ संख्या 124 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे कहा तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा वॉन गॉग गोगा और पिकासो मातीस शागाल और ब्रॉक पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है मैंने कहा पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पिकासो जीनियस है वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय दो बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और दो अक्टूबर 1950 को मार्से ही पहुंचा। यूं पेरिस में, में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ बंबई में रहते एक ऊर्जा थी काम करने की इच्छा थी आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते थे मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है बस तुम्हें मेहनत करनी होगी चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है कल मैंने उन्हें फोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे यानी सूर्य प्रकाश उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद है पृष्ठ संख्या 125 मैंने धुष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले ना भीख मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहो खुद कुछ करो जरा देखिए अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूं मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जिसमें खामी लगती है यह बहुत गजब की बात नहीं है लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है भगवत गीता कहती है जीवन में जो कुछ भी है वह तनाव के कारण है बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था मुझे आजीविका कमानी थी मैं कहूंगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं ही होता उत्तरदायित्व होते हैं किराया देना होता है फीस देनी होती है अध्ययन करना होता है काम करना होता है कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और बढ़ी अभ्यास पाठ के साथ एक रजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों नहीं स्वीकार की दो बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए तीन भले ही 1947 और 1948 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हूँ मेरे लिए वे कठिन बरस थे रजा ने ऐसा क्यों कहा चार रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे तुम्हारे चित्रों में रंग है भावना है लेकिन रचना नहीं है तो तु, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है आधार नींव दीवारें, बीम छत और तब जाकर वह टिकता है यह बात क किसने किस संदर्भ में कही खा, रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा पाठ के आसपास पास एक रजा को जलील साहब जैसे लोगों का सहारा न मिला होता तो क्या तब भी वे एक जाने माने चित्रकार होते तर्क सहित लिखिए। दो चित्रकला व्यवसाय नहीं अंतरात्मा की पुकार है इस कथन के आलोक में कला के वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए तीन हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं आप किन क्षणों में ऐसा सोचते हैं? चार राजा रवि वर्मा मकबूल फिदा हुसैन अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्रों का एक एल्बम बनाइए भाषा की बात एक जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था इस वाक्य को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं मेरे बम्बई पहुंचने से पहले जे जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था नीचे दिए गए वाक्यों को दूसरे तरीके से लिखिए क जब तक मैं प्लेटफॉर्म पहुंचती तब तक गाड़ी जा चुकी थी ख जब तक डॉक्टर हवेली पहुंचता तब तक सेठ जी की मृत्यु हो चुकी थी गा, जब तक रोहित दरवाजा बंद करता तब तक उसके साथी होली का रंग देकर अंदर आ चुके थे जब तक रुचि कैनवास हटाती तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी दो आत्मा का ताप पाठ में कई शब्द ऐसे आए हैं जिसमें ओ का इस्तेमाल हुआ है जैसे ऑफ ब्लॉक नॉर्मल नीचे दिए गए शब्दों में यदि ओ का इस्तेमाल किया जाए तो शब्द के अर्थ में क्या परिवर्तन आएगा दोनों शब्दों के वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए हाल काफी बाल